हैं जी मैंने गांदरबल इस बात को छोड़ो कि यहां से मेरे दादा मरहूम भी एमएलए रहे हैं, मेरी दादी मेंबर पार्लियामेंट रही है, मेरे वालिद साहब दोनों मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए रहे हैं। जाती तौर मैं 3 बार यहां एमपी रहा, मेरे इस अस्पताल का मुकाबला कर सकते हैं, अगर आप हमारी इन सड़कों का मुकाबला कर सकते हैं, अगर आप इस सेक्रेटेरिएट का मुकाबला कर सकते हैं, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुकाबला कल को अगर खुदा ना खास्ता उनको मौका मिला, वो इन लोगों के साथ हाथ मिलाएंगे जिनमें मेरे खिलाफ जो यहां आजाद उम्मीदवार खड़े हैं वो भी शामिल हैं, जिनमें ये अपनी पार्टी उनका भी जिक्र वजीर दाखला साहब ने नहीं किया, अपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस उसमें भी वजीर दाखला साहब खामोश, यहां तक कि जो मैं शायद सोच रहा था कि कम से कम और कोई नहीं तो इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी का भी जिक्र वजीर दाखला साहब करेंगे, उस पार्टी पे भी वजीर दाखला साहब खामोश रहे। मतलब ये कि कल को अगर बीजेपी चाहे तो उनके साथ भी हाथ मिला के जो है हुकूमत बनाएंगे। उस बात पे फिर मेरे दिमाग में फिर वो कीड़ा फिर घुसना शुरू हुआ जिसका मैंने कल जिक्र किया था। खुदा रा मुझे आप समझाएं, ये जेल से लोग मेरे पीछे इलेक्शन लड़ने के लिए क्यों पड़ जाते हैं? ये बात गौर करने लायक है, क्योंकि जब पहली बार बारामूला में हुआ मैंने इसको गलत नहीं समझा, मैंने सोचा ये आदमी वहीं का है, इसने वहां पार्लियामेंट इलेक्शन पहले भी लड़ा है, चलिए फिर लड़ने की तमन्ना रखता है, शायद उसी जज्बात में ये कागज भर रहा है। अब जब नतीजे निकले मैंने सोचा अल्लाह ताला को मेरी जीत मंजूर नहीं थी, किस्मत उसकी ठीक थी, मेरी किस्मत खराब थी, और मैंने इसके बारे में फिर गौर किया नहीं। लेकिन जब ये असेंबली के इलेक्शन आए, खबर आनी शुरू हुई कि जिस आदमी के कागज वहां जैनपुरा शुपैया में नामंजूर हुए वो यहां आएगा, फिर पता चला कि उसके कागज वहां नामंजूर क्यों हुए, कि उसको कहा गया ना आपको हमने यहां से इलेक्शन नहीं लड़वाना है।